गाइस इट्स मी अभिषेक शॉट पे वेलकम बैक टू द बिजनेस ब्लॉक अगेन। सो गाइस आज का जो मेरा ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है रश्मि दी के घर से। इधर देख सकते हो पूरा रश्मि दी का स्टूडियो। एक्चुअली मैं यहाँ पर कल सुबह से आया था और इधर देखो भाभी जो है रश्मि दी के लिए वीडियो के लिए मेहनत कर रही है। इधर डेकोरेट कर रही है और इधर रश्मि दी का पापा मतलब सभी लोग मिल के हेल्प कर रहे हैं। अभी रश्मि दी जस्ट नीचे गई है। आ गई रश्मि दी और रश्मि दी का मतलब 70% हार्ड वर्क भाभी का रहता है। मैंने मतलब कल से देख लिया है ना भाभी 70%। देख सकते हो पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। ये जो डेकोरेशन देख रहे हो ना ये मतलब एक प्रमोशन वीडियो के लिए रश्मि दी का जो दिवाली का प्रमोशन वीडियो है। और इधर रश्मि दी जो है रेडी हो रहे हैं मतलब उस वीडियो के लिए। हम लोग कल इतना परेशान हो चुके थे क्या बताऊँ। एक्चुअली कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग गए थे सिलचर एंड सिलचर पे हम लोग सुबह यहाँ से हम रश्मि दी के घर से 8 बजे निकले थे और रात के 11 बजे हम लोग घर पे आए। अभी पान खा रहा है मैं नहीं खा रहा। हाँ झूठ 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 खा रहा है मेरे पास पान है। वो वीडियो करते करते क्या बोलूं। और इधर देख सकते हो रश्मि दी का रूम जो कि रश्मि दी ने बोला मतलब एक टूर देगी उसके रूम का। तो अभी तो पूरा गंदा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। और उधर अभी जस्ट नया नया डेकोरेट किया है। नया नहीं जस्ट ऐसे टेम्पोरारी। दिवाली पे तो अच्छे से डेकोरेट करेंगे बाकी अभी जो है जस्ट टेम्पोरारी जस्ट फॉर वीडियो। सबसे बड़ी बात तो रश्मि दी का हार्ड वर्क। एक वीडियो पे कितना ड्रेस चेंज करना पड़ता है। मैं तो नहीं करता भाई इतना मतलब हर वीडियो पे हर ड्रेस चेंज मतलब हेयर भी चेंज होता होगा ना। हेयर का स्टाइल तो मतलब ड्रेस चेंज करना भी मतलब मतलब ड्रेस चेंज करना भी मतलब इजी बात नहीं होती यार। बार बार एक ही टाइम पे ओ भाई ड्रेस चेंज करके फिर से दूसरा ड्रेस लगाओ फिर दूसरा ड्रेस लगाओ। अभी हम लोग कुछ जुगाड़ कर रहे हैं मतलब रूम का वीडियो के लिए। एक्चुअली इस रूम पे ना इसके कारण अभी दिन को हम लोग रात बना रहे हैं। और रश्मि दी के रूम पे मैं देख रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ ना तो पूरा मतलब एकदम जो शक्ल है ना वो काला हो जाता है क्योंकि ये देखो पूरा वाइट बैकग्राउंड है ना। और वाइट बैकग्राउंड पे हम लोग शूट नहीं करते मतलब शूट करते वाइट बैकग्राउंड अच्छा होता है लाइट पड़ने पर। लेकिन अभी सूरज का थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा है ना और बाकी मतलब ये जो रूम है उस पर अभी उजाला नहीं है तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है तो इसीलिए वाइट में हम काले आ गए तो काला हो जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। लेकिन वीडियो शूट फोटो शूट जिसके लिए भी वाइट बैकग्राउंड सबसे बेस्ट होता है। वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड सबसे बेस्ट होता है स्टूडियो पे भी मतलब सब में वाइट बेस्ट ही होता है। और इधर हम लोग कुछ ऐसे पर्दा टांग दिया है तो अभी बाहर से जो है उजाला नहीं आएगा। हम लोग को रात का शूट चाहिए इसके कारण। और इस पर भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। हमको थोड़ा थोड़ा भी नहीं चाहिए जस्ट हम लोगों को रिंग लाइट का जो लाइट है ना वो चाहिए क्योंकि रिंग लाइट का जो लाइट है और जो बाहर का सूरज का लाइट है वो अलग होता है। एक्चुअली उसका कलर अलग होता है इसके कारण। हम अभी मतलब जुगाड़ कर रहे हैं और इधर पूरा मतलब बिखरा बिखरा हुआ है। और इधर देख सकते हो छोटा सा साइकिल जिसको चला के रश्मि दी घूमने जाएगी। और ये मेशी का फैन। हम लोगों ने अभी पूरा रात बना दिया है और हमारा पूरा बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है। फाइनली हमारा जो है एक शूट खत्म हो चुका है मतलब एक साड़ी का शूट जो है वो खत्म हो चुका है। और हम लोग सुबह के 10 बजे से लगे हैं मतलब 10 बजे से तो मतलब ऐसे ट्रांजिशन वीडियो से ही बना रहे थे तो 10 बजे से हम लोग काम कर रहे थे थोड़ा। और अभी देखो भाई अभी बज रहा है 1250 मतलब 1 बज गए मतलब मानो कि 1 ही बज गया है ना 10 मिनट क्या है।
तो आज मुझे थोड़ा सा और भी काम है तो वो सब करना है, बाकी ये शूट ख़त्म करके मिल जाना है, बाकी अभी तो सारियों का और शूट है, बाकी ये बैकग्राउंड है, बाकी ये ब्लॉग मेकअप आप लोग कर रहा हो मुझे अभी देखो हम लोगों ने पूरा मतलब रात का बैकग्राउंड है ना, तो ये देखो हम लोगों ने पूरा ये रूम का जो जितने भी खिड़कियों से जो बाहर का नेचुरल लाइट होता है वो हम लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि जो नेचुरल लाइट होता है ना वो पड़ेगा तो रात नहीं लगेगा, सूरज का लाइट होता है ना वो पड़ता है तो नेचुरल लाइट नहीं लगेगा, इसके कारण हम लोगों ने जो नेचुरल बाहर का जो लाइट है वो बंद कर दिया है, मतलब उसका उजाला बंद कर दिया है, सो वही अभी हम लोग इसी रिंग लाइट से हम लोग काम चला रहे हैं, बाकी एक दो शॉर्ट्स बाकी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखेंगे जो हम लोगों ने शॉर्ट्स लिया है। इस रेशमी दी के घर पे मैंने एक चीज़ तो देखा भाई, इतने बिल्लियाँ है, बाप रे बाप, पूरा टोटल 6 बिल्लियाँ है, तो छोचो कितना उत्पात मचाता होंगे ना ये देखो ये एक है, मतलब काम कर रहे ना तभी आ रहे, एक करके आ रहे, एक आ गया फिर दूसरा आएगा फिर दूसरा आएगा, लेकिन कलर सभी का सा मतलब ऑलमोस्ट सेम ही। एक बात को पता चल गया, नॉर्मल प्रमोशन और ब्रांड प्रमोशन बहुत डिफरेंस है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस है, ब्रांड प्रमोशन में ना बहुत मुश्किल, मतलब क्या बताओ यार, कल का दिन हमारा कैसा था वो नहीं पता है, एक्चुअली कल मैं मतलब सोच रहा था कि ब्लॉग बनाओ नहीं बनाओ, फिर बाद में सोचा था, मतलब पहले सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद सडनली इतना चेंज हो गया, मतलब अचानक अचानक बारिश ने पूरा मूड ख़राब कर दिया, इसने इसके कारण मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं करना, हम लोग सिलचर गए थे उधर जाके शूट किया पूरा दिन, मतलब उधर पहुँचे हम लोग सिलचर पे पहुँचे 10:30 के करीब, इसी टाइम से हम लोग जो है पूरा टाइम शूट कर रहे थे, और शूट करते करते हम लोगों को रात के बज के 7:30 या फिर 8 बजे समथिंग, तब तक हम लोग शूट कर रहे थे, और ब्रांड प्रमोशन में ना भाई ना मुश्किल है, नॉर्मल प्रमोशन में तो थोड़ा बहुत वीडियो बना हो जाएगा, ब्रांड प्रमोशन में हम लोग जो शूट ले रहे थे ना वो शूट नहीं हो रहा, मान लो कि एक पीछे आ गया, अब मतलब छोटा सा एक चीज़ आ गया तो वो आ गया तो कैंसिल सीधा, वो मतलब शॉर्ट ही कैंसिल, और अगर मतलब जब हम लोग वीडियो कर रहे हैं तो पीछे से कोई जा रहा है वो भी कैंसिल, तो हम लोग ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं ना, जब पूरा रोड के रोड था और रोड के पास मॉल था तो हम लोग शूट कर रहे थे, तो रोड है और मतलब ट्रैफिक वाला एरिया है तो मतलब ऑब्वियसली जो है लोग जाएंगे, और कभी कभार मतलब मॉल भी चालू था इसके कारण मॉल पे भी अंदर जा रहे थे बाहर जा रहे थे, मतलब क्या बोलूँ, हम लोग जैसे शूट पे देख रहे होते ना पीछे से कोई जाता है आगे से कोई जाता है, हम लोग जब लोगों भी लेते हैं तब भी कोई ना कोई पीछे से, और उन लोगों को चाहिए मतलब बिना कोई क्या बोल रहा हूँ, बिना कोई मतलब दिखे हुए देखा, बस उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वही दिखना चाहिए, ताकि और एक इंसान भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बस वही। ये देखो ये बैकग्राउंड आप लोगों ने वीडियोस में काफ़ी देखा होगा ना, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है, आज का वेदर काफ़ी अच्छा है ना। सेकेंड लुक, यह लास्ट लुक जो कि इसके बाद पूरा मतलब इट्स लाइक खत्म। फाइनली शूट ख़त्म हो चुका है और अभी पूरा अंधेरा होने वाला है, और अभी मुझे जाना पड़ेगा HKT, मेरा नाम ही अभी है यार, तो अभी मैं जाऊँगा, सो अभी मैं जा रहा हूँ HKT, एंड उधर मैं दीदी के घर पे जा रहा हूँ, बाकी क्यों जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ वो सब कुछ मैं बताऊँगा, तो चलो चलते हैं उधर सीधा, ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाते, जल्दी जल्दी पहुँचते, मतलब जल्दी तो नहीं पहुँचूँगा, जल्दी का काम शैतान का होता है, धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि स्पीड से जाऊँगा तो मुसीबत आ सकती है, इसके कारण धीरे धीरे जाएंगे, है ना।
A few moments later. तो अभी फाइनली रात हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूँ HKD और मेरे शर्ट का हालत देख सकते हो, बहुत ही साफ सुथरा बन चुका है. ऐसा तो भाई वो टाइड है ना या फिर सर्वेक्शन उससे दोनों से भी नहीं होता साफ. हाँ अभी यही पहन के मैं घूमूंगा क्योंकि घर में नहीं है, मेरे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. और मेरे साथ देखो ये है, अभी जस्ट मैं आया हूँ, अभी जस्ट पहुँचा हूँ. देखो स्कूटी का मैंने स्टार्ट भी ऑफ नहीं किया, अभी जस्ट पहुँचा हूँ और मेरा हालत तो पूरा ख़त्म हो चुका है. आते ही देख सकते हो बहुत दिनों के बाद मैं खाने वाला हूँ मोमो, और ये मोमो दूसरी मोमो, और ये आज चलो खाते हैं बहुत दिनों के बाद. मैं आ चुका हूँ यहाँ पर स्कूटी को खाना खिलाने के लिए, और यहाँ से खाना खिला के मैं सीधा निकल जाऊँगा मेरे. हाँ सो फाइनली मैं अभी मेरे दीदी के घर पे पहुंच चुका हूँ. अभी तो मैं जाऊँगा पहले, सबसे पहले जाके नहाऊँगा एंड उसके बाद जो होगा मतलब देखा जाएगा. मुझे जोर की बहुत जोर की भी लगी है इसके कारण. मैं अभी तो सबसे पहले जाऊँगा नहाऊँगा एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ. और इधर देख सकते हो मेरे दीदी के दो ही लड़के हैं, क्या बोल रहा हूँ. सो अभी मैं जस्ट इधर मैं एक काम से आया था, लेकिन आगे देख रहा हूँ मतलब फालतू में आ गया. मेरी दीदा और मेरा जो बाबा है वो आए हैं, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों आए. अगर दोनों आए हैं मुझे पहले से पता होता तो मैं इधर आता ही नहीं भाई, लेकिन पता नहीं था इसके कारण आ गया. लेकिन अभी तो दोनों आए हैं तो दोनों जाएंगे और मैं अकेला फिर से जाऊंगा यार. ओके अनदर डे सेम ब्लॉग. सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फिर से घर पे, अभी बज रहे सुबह के 10. एक्चुअली मैं यहाँ पर आया था मेरे बाबा को जो है डॉक्टर दिखाने के लिए, बट यहाँ पर आके देख रहा हूँ मेरी दादी और मेरे बाबा आए हुए हैं. मैंने सोचा था कि डॉक्टर दिखाने के बाद मैं स्कूटी पे ही बाबा को लेके जाऊंगा, बट वो दादी और बाबा आए हैं तो वो दोनों जाएंगे. इसके कारण मैं अभी जा रहा हूँ सुबह सुबह, और मुझे भी थोड़ा सा काम है और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, मैंने चार्जर भी नहीं लाया, इसके कारण अभी मैं जा रहा हूँ. मेरी बाबा और मेरी जो दादी है वो आएंगे. अगर ये मुझे पहले से पता होता ना कि वो दोनों आए हैं तो मैं नहीं आता. बाकी अभी रास्ता कुछ ऐसा है, गाँव का रास्ता है, देख सकते हो ना. इस गांव पे आने के बाद आप लोगों को मिलेगा पूरा गांव वाला फील, क्योंकि ये देख रहे हो ना पूरा गांव, पूरा एकदम गांव. हम लोगों का उधर का गांव तो अभी तो गांव ही नहीं रहा, पूरा मतलब टाउन जैसा हो गया. सो चलो अभी चलते हैं ना, ऐसा कुछ देखना चाहिए मतलब कभी कभार अच्छा लगता है, क्योंकि अभी पूरा कल्चर जो है ख़त्म हो चुका है. मतलब ऐसा जो पुराना जो गाँव होता है, पुराने घर होते हैं, वो सब कुछ अभी ख़त्म हो चुका है ना. सो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना. Let's go. हाँ देखो यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, ये देखो चारों तरफ ट्री गार्डन. कितना सुंदर है ना. स्लो ड्राइव लॉन्ग ड्राइव. ओके सो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और यहाँ पर देख सकते हो पहुँचते ही मुझे दो पार्सल मिला जो कि मेरे साइकिल का है. सो फाइनली ये मैंने कप का ऑर्डर दिया था, सो फाइनली आ चुका है. मेरे साइकिल के पार्ट्स है तो इनसे मैं साइकिल को दोबारा नया बनाऊंगा, क्योंकि मेरा साइकिल आपको पता है टूट चुका है ना, उसको बनाऊंगा. तो ये पार्ट्स हमारे इधर नहीं मिलता, इसके कारण मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है. ओके अनदर डे सेम ब्लॉग. सो आज मैं फिर से आया हूँ यहाँ पर, एंड आज भी हम लोग कर रहे हैं शूट, और आज का मतलब अलग है, आज का जो वीडियो है वो अलग है, इसके कारण आज हम लोग शूट कर रहे हैं. और आज का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा जो है अलग है. सो इधर है मेरा कैमरा, चलो अभी शूट करते हैं. आज तक क्या मोबाइल था, पिकालर था ना.